हेलो दोस्तों, मैं हूं मंजू तिवारी। मैं अपनी चैनल कॉम्पैक्ट गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मानसून का सीजन है। मैं आज अपनी थर्ड फ्लोर की छत पर आई हूं, आपको प्रकृति का एक विहंगम दृश्य दिखाती हूं और साथ ही अपने एक बहुत ही खूबसूरत पौधे से भी मैं आपका परिचय कराती हूं। दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरा प्लांट डेक्रेना रिप्लेक्सा, जिसे हम लोग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा प्लांट। यह व्यापक रूप से एक सजावटी पौधा है दोस्तों। हाउस प्लांट के रूप में उगाया जाता है और इसके रिच कलर और सदाबहार पत्तियां सबका मन मोह लेती हैं। दोस्तों, ये आसानी से स्टेम टिप कटिंग से 3 से 5 इंच की कटिंग से ग्रो हो जाता है। देखिए, आप जैसे इसकी एक कटिंग यहाँ से कहीं से भी आप काट के इसकी अगर किसी पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा आपके पॉट में अपनी ग्रोथ बना लेगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसकी खूबसूरती, इसके कलर, इसमें मेंटेनेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब इसकी कटिंग को कैसे लगाया जाता है मैं आपको ये बताती हूँ। कहीं से भी आप ऐसे इसकी 5-6 इंच लंबी एक ऐसे कटिंग काट लीजिए। ये मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ये एकदम बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अपनी जो है जड़ें पकड़ लेता है। वैसे भी ये मानसून का सीज़न है, आपको मैं दिखाऊंगी और कितनी बढ़िया तरीके से होता है। देखिए, इतनी बड़ी लंबी हमने ये कटिंग ली और इसकी हम मोस्टली पत्तियों को जो है ऐसे निकाल देंगे और इसकी जो है ये मैं अपने टूल को स्टेरलाइज करके लाई हूँ अभी। इसको ऐसे पेन के, ये कलम की तरह, इसको ऐसे इस तरह से काट देंगे ये जो भाग है। और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो उसमें इसको डिप कर दीजिए। मेरे पास तो अभी है नहीं, मैं इसको सिंपली ऐसे इसी तरह से इसकी थोड़ा सा पत्तियाँ ऊपर से छोड़ूंगी और इसे इस तरह से इसमें ये देखिए लगा दूंगी। इसके लिए मैंने सॉइल पहले से ही तैयार की, मॉइस्चर सॉइल इसको चाहिए इस प्लांट को, और 1 हफ्ते में ही ये अपनी पूरी जड़ें अपनी पॉट में फैला लेगा। तो इस तरह से इसको आपको मैं ये ग्रो करके दिखा रही हूँ। दूसरी कटिंग भी इसी तरह, एक आप एक पॉट में 3-4 कटिंग भी लगा सकते हैं, ग्रो होने पर उनको फिर रिपोर्टिंग कर लीजिए। ये देखिए, ये दूसरे पॉट में मैं इस तरह से ये इसको थोड़ा सा दबा दीजिए आप। दोस्तों, ये तो हो गई प्रोपोगेशन की बात। अब मैं इसको बताती हूँ इसकी सॉइल को कितना पानी चाहिए। ये इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आप ना डालें। बहुत ज़्यादा पानी डालने से भी इसमें कभी कभार इसकी अगर ड्रेनेज सही ना हो तो इसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसमें आप जाड़ों में 2 दिन में 1 बार पानी डाल सकते हैं, लेकिन गर्मियों में तो आपको इसमें लगातार सवेरे शाम हल्का हल्का पानी डालना ही पड़ेगा। दोस्तों, आमतौर पर ये 3 फीट तक ऊँचाई अपना जो है घर के अंदर पकड़ लेता है और साथ साथ में आप इसको ट्रिमिंग करते रहिए। बीच बीच में अगर आप इसको ट्रिमिंग करते रहेंगे तो एक बहुत अच्छा शेप ले लेता है। कि अच्छी ग्रोथ के लिए इसको सनलाइट भी बहुत अच्छी चाहिए, बहुत तेज़ तो नहीं कह सकते हम, लेकिन इसको शेड के नीचे आप रखें और समय समय पर आप खिसका के इसको धूप भी दे सकते हैं। मेरा तो 1 साल से ये छत में ही है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ मैं इसको नीचे शिफ्ट करूँगी। आप समय समय पर थोड़ा बहुत आप इसमें मैन्योर डाल सकते हैं और इसमें जो है ड्रेनेज की व्यवस्था आपकी पूरी अच्छी तरह बिल्कुल सही व्यवस्था होनी चाहिए। और जब इसकी आप रिपोर्टिंग करें तो 5 से 6 इंच की जो आपकी कटिंग होती है वो लगाएं, या फिर उस कटिंग को भी अगर आप छोटे में ग्रो करते हैं तो जिस भी बड़े पॉट में आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं उसका ड्रेनेज सिस्टम देख लें, उसकी सॉइल देख लें, तो बहुत ही कम मेंटेनेंस में ये पौधा जो है बहुत अच्छा चल जाता है। समय समय पर आप इसकी पत्तियों को शावर दे सकते हैं, जिसमें इसमें धूल वगैरह अगर गिरी है तो इसमें बहुत अच्छी चमक आ जाती है, जिससे इसकी पत्तियां साफ़ हो जाती हैं और बहुत ही आकर्षक लगती है। ऑर्नामेंटल प्लांट बहुत ही रफ़ एंड टफ़ है, लेकिन फिर भी कभी कभार इसकी सही देखभाल नहीं होने से, इसमें ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होती या फंगल इन्फेक्शन होने से जो है इसकी जो लीव्स हैं ना वो पूरी पीली पड़ के झड़ने लग जाती हैं। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, जब भी आप इसको कटिंग करें तो अपने जो टूल्स हैं आपके उसको भी पहले स्टेरलाइज कर लें या किसी ऐसे उससे साफ़ कर लें, उसके बाद ही इसे कट करें। देखो, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। कभी कभी
इसकी जो फंगल इन्फेक्शन के कारण इसकी पत्तियों में स्पॉट आ जाते हैं, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। इसकी अगर पत्तियों में स्पॉट आने लगे तो आप अपने पौधे को अच्छी तरह देखिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर इसकी प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो उस हिसाब से फिर आप उसकी जो पुरानी पत्तियाँ हैं जिसमें स्पॉट आ गए हैं उनको तुरंत आप उन पत्तियों को निकाल के इसमें नीमोडर्मा या फिर कोई भी जो एंटी फंगल वो है उसका छिड़काव करिए। दोस्तों अगर हम बात करें इसमें खाद कैसी चाहिए, तो मोस्टली मैं इसमें 15-15 दिन में जो मेरी होममेड खाद है वही मैं इसमें डालती हूँ और इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। कई बार देखने में आता है कि अगर कुत्ते बिल्लियाँ अगर इसकी पत्तियों को खा जाते हैं या चबा लेते हैं किसी कारणवश, तो उनको फिट्स की समस्या देखी गई है। बाकी तो ये बहुत ही सुंदर पौधा है, आप अपने घर में लगाइए, बहुत कम मेंटेनेंस में आपका ये पौधा चल जाता है। दोस्तों ये थी जानकारी मेरे प्लांट सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।